Hi students, welcome back to the online classes conducted by Sunrise School, Mastapur. Dear students, we are on your English book, Flamingos, and we are reading its second poem, An Elementary School Classroom in Islam. In this poem, the poet describes the classroom of a school in Islam. He deals with a theme of social injustice and class inequality. The poor children in the classroom are pale looking. The poet presents a pathetic picture of the children studying in this school. The school is situated in a slum area. The poet is deeply moved by the plight of the little children. Their faces are pale and look lifeless. We read yesterday the first stanza, that their faces are pale and look lifeless. Their hair look like rootless weeds. There was a tall girl who sits with her head down. The poet sees a thin boy. His small eyes appear like that of a rat. His growth is blocked as he has inherited some disease of his father. But on the last bench, there is a sweet and young boy. He does not seem interesting in the lesson. There are children like dreams in his eyes. He wants to escape from the boring classroom, climb the trees and play like squirrels. तो यहाँ तक हमने कल पढ़ा इसका पहला स्टेंजा. अब हम इसके दूसरे स्टेंजे को पढ़ते हैं. पोएम का नाम क्या है? एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर. ओके, तो सेकंड स्टेंजा हमने यहाँ तक पढ़ लिया था बच्चों. अब हम पढ़ेंगे, हमने कहाँ तक पढ़ा था? यहाँ तक पढ़ा था. ओके, यहाँ तक. अब हम आगे पढ़ेंगे. ऑन सोर क्रीम वॉल्स, कवि कहता है इस कमरे की. अभी तक तो उसने यहाँ पर पूरा इस क्लासरूम में जो बच्चे बैठे हैं उनकी स्थिति दिखाई थी, उनका वर्णन किया था कवि ने कि कैसे बच्चे बैठे हैं. आपने कल पढ़ा भी होगा कि वहाँ पर किस तरह के बच्चे बैठे थे. नंबर एक, जो बच्चे बैठे थे ना उनके रूटलेस वीड्स जैसे बाल थे, उनके फेसेस पर कोई ग्लो नहीं था, कोई एनर्जी नहीं थी. और वहाँ पर नंबर एक टाल गर्ल बैठी थी, ठीक है. उसके बाद नंबर दो पे हमने पढ़ा पेपर सीमिंग बॉय, मतलब बहुत ही पतला लड़का बैठा था, ठीक है. उसके बाद हमने पढ़ा कि वहाँ पर क्लास के पीछे एक स्वीट सा लड़का भी बैठा था, स्वीट सा लड़का. ओके, तो अभी तक तो कवि ने क्लासरूम में बच्चों का वर्णन किया है. अब इस स्टेंजे में क्लासरूम की दीवारों का और क्लासरूम में क्या क्या चीज़ें हैं उनका कवि वर्णन कर रहा है. देखिए, ऑन सोर क्रीम वॉल्स, सबसे पहले तो आप जानिए कि कमरे की जो वॉल्स हैं वो दीवार कैसी हैं, वो हैं क्रीम कलर की. ओके, लेकिन क्रीम कलर भी कैसा है? सोर है. सोर वैसे खट्टा होता है, सोर का मतलब. यहाँ पर क्या हुआ? फेड. फेड मीन धुंधला, धुंधला पड़ा हुआ. काफ़ी दिन से शायद इस पे पेंट वगैरह नहीं हुआ है. तो कवि कहता है कि कमरे की दीवारें फेड क्रीम कलर की हैं. फेड मीन मध्यम, धुंधले, धुंधले क्रीम कलर की हैं. डोनेशंस, और कमरे में बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं जो डोनेट की हुई हैं. मतलब डोनेशन होता है दानवीर, दानवीरों ने कुछ चीज़ें वहाँ पर दी हैं डोनेशंस. उन डोनेशंस के बारे में कवि बताता है क्या क्या डोनेशंस उस कमरे में रखी हुई हैं. देखिए, शेक्सपियर्स हेड, वहाँ पर एक डोनेशन है जो लोगों द्वारा दी गई है इस कमरे में रखने के लिए, वो है शेक्सपियर्स हेड. शेक्सपियर एक बहुत ही ग्रेट लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर का बहुत ही बड़ा राइटर था शेक्सपियर. उस शेक्सपियर की एक तस्वीर दिखाई गई है, हेड, हेड मीन धड़की. वहाँ कमरे में डोनेशंस ने जो जो चीज़ें दी हैं उनको लगाया गया है. दीवार पर शेक्सपियर का एक धड़ लगा रखा है. क्लाउडलेस एट डान, वहाँ पर एक और तस्वीर लगा रखी है, क्लाउडलेस बादलों रहित. डान मीन सवेरा, वहाँ पर बादलों रहित एक सवेरे की भी तस्वीर लगा रखी है दीवार पर. सिविलाइज्ड डोम, सिविलाइज्ड मीन शानदार, वैसे सभ्य होता है, और डोम होता है गुंबद, ऊँचे बड़ी बिल्डिंग, चर्च की जैसे बिल्डिंग होती है. और वहाँ पर शानदार गुंबद
दिखाई दे रहे हैं, उनके भी फोटो लगे हुए हैं, चित्र लगे हुए हैं, राइडिंग ऑल सिटीज़, और ये गुम्बंद, ये चर्च वगैरह आपको लगभग हर शहर में मिल जाती हैं, सिटीज़ में मिल जाती हैं। तो देखिए क्या क्या लगा हुआ है उस कमरे की दीवार पर, शेक्सपियर का हेड, क्लाउडलेस डॉन, बिना बादलों का सवेरा, और शानदार जो है गुम्बंद उनका फोटो बना हुआ है, बेल्ड, घंटी लगी हुई, बेल्ड का मतलब है घंटी लगी हुई, फ्लावरी फूलों वाली, टायरोलिस वैली, टायरोलिस घाटी का भी वहाँ पर एक चित्र है, वहाँ पर ये जो टायरोलिस घाटी है ये एक ऑस्ट्रेलिया में पहाड़ी के बीचों बीच एक घाटी है और जिसको टायरोलिस वैली कहते हैं, और इसमें बहुत सारे फूल हैं और इसमें जो है घंटी भी लगा रखी है। तो घंटी लगी हुई, घंटी सहित फ्लावरी फूलों वाली टायरोलिस वैली का वहाँ पर एक चित्र है, ओपन हैंडेड मैप, और वहाँ पर एक मानचित्र भी है, मैप भी है जो ओपन हैंड से बनाया गया है, स्केल वगैरह से नहीं, खुले हाथ से बनाया गया है, अवार्डिंग, और जिसमें अवार्डमिन दिखाना, जिसमें दिखाया गया है दी वर्ल्ड, दुनिया को, इट्स वर्ल्ड, असली दुनिया, जो जो बाहर की दुनिया है, जो संसार है, उस संसार को इस वर्ल्ड मैप में दिखाया गया है, एंड येट, लेकिन फिर भी, फॉर दी चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज, नोट दिस मैप, देयर वर्ल्ड, फॉर दीज चिल्ड्रंस, दिस मैप इज नॉट देयर वर्ल्ड, इन बच्चों के लिए ये जो दुनिया दिखाई है ना मानचित्र वाली, ये दुनिया इन बच्चों की दुनिया नहीं है, बल्कि इन बच्चों की दुनिया वो दुनिया है जो खिड़कियों से बाहर दिखाई दे रही है, खिड़की के बाहर इनकी गंदी बस्ती दिखाई दे रही है, तो इन बच्चों के लिए कौन सी दुनिया है, गंदी बस्ती वाली दुनिया है, ना कि ये वर्ल्ड मैप वाली दुनिया, वेयर ऑल देयर फ्यूचर इज पेंटेड विद ए फॉग, और इन बच्चों की जो गंदी बस्ती की दुनिया है ना, यहीं पर वेयर, जहाँ पे ऑल देयर फ्यूचर, उनका जो पूरा भविष्य है, इज पेंटेड, वो पेंट किया जा रहा है विद ए फॉग, फॉग मीन धुएं से, मतलब इन बच्चों का जो जीवन है, आने वाला समय है, वो अंधकार बनाया, अंधकार में बनाया जा रहा है, फोग जैसा बनाया जा रहा है, ज्ञान नहीं है इनके जीवन में, यहाँ स्कूल में इसको अच्छे से पढ़ाते नहीं बच्चों को, और उनका जीवन अंधकार में बनता जा रहा है। अगला स्टेंजा देखिए, ए नैरो स्ट्रीट, वे बच्चे जहाँ रहते हैं वहाँ कैसी गली है, नैरो, नैरो कैसी होती है, तंग गली, भीड़ी गली, तंग गली, नैरो, नैरो स्ट्रीट, उस तंग गली में, जो वो तंग गली है बच्चों की गंदी बस्ती में, सील्ड, भरी हुई है, इन विद ए लीड स्काई, लीड होता है धुआं, धुएं वाले आसमान से भरी हुई है, उनकी तंग गली में आसमानी धुआं भरा हुआ है, फार फार, दूर दूर तक, फ्रॉम रिवर्स, इन बच्चों की दुनिया में दूर दूर तक नदियां नहीं हैं, केप्स होता है अंतरीप, मेनलैंड होता है ये समुद्र में, मेनलैंड, तो अंतरीप नहीं है, एंड स्टार्स ऑफ दी वर्ड, स्टार्स मीन तारे नहीं है, ऑफ दी वर्ड्स, वर्ड का अर्थ होता है अक्सर, लेकिन यहाँ पर ज्ञान, ज्ञान रूपी सितारे नहीं हैं उनकी दुनिया में, कोई पढ़ाई लिखाई और ज्ञान नहीं है, ज्ञान का प्रकाश नहीं है इनकी दुनिया में। आगे देखिए, श्योरली, निसंदेह, शेक्सपियर इज वीकड, वहाँ पर जो शेक्सपियर की तस्वीर लगी है, वो जो शेक्सपियर है इन बच्चों के लिए वीकड है, वीकड मीन बेकार है, शेक्सपियर इन बच्चों के लिए क्या है, बेकार है, क्यों बेकार है, क्योंकि शेक्सपियर तो एक बहुत ही प्रसिद्ध राइटर रहा है, वो ज्ञान का स्रोत माना जाता है, लेकिन इन बच्चों के पास तो ज्ञान ही नहीं है, ये तो गरीब बच्चे हैं और छोटे बच्चे हैं, क्या जाने ये शेक्सपियर के बारे में, तो इन बच्चों के लिए शेक्सपियर बेकार है, दी मैप ए बैड एग्जाम्पल, और जो मानचित्र वर्ल्ड का दे रखा है ना, वो भी इन बच्चों के लिए एक बुरा उदाहरण है, बुरा उदाहरण क्यों है, क्योंकि इस मानचित्र में इन बच्चों की दुनिया नहीं दिखाई गई है, विद शिप्स एंड सन, इस मानचित्र में जहाज दिखाई गई हैं और सूर्य दिखाया गया है, एंड लव, और प्रेम दिखाया गया है, प्यार दिखाया गया है, और ये सारी चीज़ें इन बच्चों को टेम्प्टिंग, टेम्प्ट होता है आकर्षित करना, लालायित करना, ठीक है, लालायित करना, आकर्षित करना, लालच में डालना, तो इन बच्चों को ये सब चीज़ें जो है ना लालायित कर रही हैं, अट्रैक्ट कर रही हैं, ठीक है, देम टू स्टील, किस चीज़ के लिए अट्रैक्ट कर रही हैं, चोरी करने के लिए, स्टील होता है चोरी करना, इन चीज़ों को देखकर तो बच्चों के दिल में चोरी करने की भावना आ जाती है, फोर लाइव्स, इनका जो जीवन है, इनकी जिंदगियाँ, दैट्स लाइली, जो चोरी चोरी धीरे धीरे टर्न इनटू देयर क्रैम्प्ड होल्स, क्रैम्प्ड मीन तंग, भीड़े, और होल का अर्थ यहाँ पर बिल होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, झोपड़ी, ठीक है, इसका अर्थ है झोपड़ी, होल का, तो उनकी जो छोटी छोटी झोपड़ियाँ हैं ना, उनमें उनका जीवन चोरी चोरी कटता जा रहा है,
फ्रॉम फोग टू एंडलेस नाइट, फोग मीन धुआं धुंध, धुंध टू एंडलेस नाइट, कभी ख़त्म न होने वाली रातों में, धुएं से लेकर कभी ख़त्म न होने वाली रातों में इनका जो जीवन है इन तंग झोपड़ियों में, तंग बिलों में ख़त्म होता जा रहा है। ऑन देयर स्लैग हीप, ये बच्चे जिस स्लैग मीन गंदगी के, हीप मीन ढेर पर बैठे हैं, जहाँ पर ये रहते हैं गंदी बस्ती में, दीज चिल्ड्रन वियर स्किन्स, इन बच्चों की जो स्किन है, स्किन मीन चमड़ी, खाल, वो कैसी है, पीप्ड थ्रू, इन बच्चों ने जो खाल पहन रखी है, वियर मीन पहन रखी है, इन बच्चों ने की जो चमड़ी है, जो चमड़ी इन्होंने पहन रखी है, मतलब इनकी जो चमड़ी है, पीप्ड थ्रू, उस चमड़ी में से झांक रहा है, दिखाई दे रहा है, बाई बोन्स, हड्डियाँ दिखाई दे रही हैं, मतलब ये बच्चे इतने कमज़ोर हो गए हैं कि इनकी चमड़ी में से इनकी हड्डियाँ झांक रही हैं। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, और इन बच्चों ने जो चश्मे पहन रखे हैं, स्पेक्टिकल क्या होता है, चश्मे, स्टील मीन लोहे के, स्टील के, और बच्चों ने जो लोहे के चश्मे पहन रखे हैं, विद मैंडेड ग्लास, उन चश्मों का जो शीशा है, गिलास जो है वो मैंडेड है, मतलब रिपेयर्ड है, रिपेयर किया हुआ है, मैंडेड गिलास है, टूटा फूटा गिलास, उसको मरम्मत करके लगा रखा है, लाइक बोटल बिट्स ऑन स्टोन्स, और वो शीशा ऐसा लग रहा है मानो कि बोटल्स, कांच के जो है बिट्स मीन टुकड़े, ऑन स्टोन्स, पत्थर पर बिखरे पड़े हों, चश्मों के अंदर टूटा हुआ शीशा ऐसा लग रहा है मानो कि किसी पत्थर पर कांच के टुकड़े बिखरे पड़े हों। All of their time and space are foggy slum. इन बच्चों का सारा समय और सारा स्थान, time, समय, space means स्थान, क्या है, foggy slum है, ये गंदी बस्तियाँ हैं। इन बच्चों की पूरी ज़िंदगी दिन और रात इन्हीं गंदी बस्तियों में गुजरती हैं। So blot, blot mean चिन्हित करना, इसलिए दिखाओ, चिन्हित करो, their maps, उनके मानचित्र को दिखाओ, गंदी बस्ती का मानचित्र भी दिखाओ, with slums, जिसमें इनकी झोपड़ियाँ दिखाई गई हों। एज बिग एज डोम, डोम मीन कवर, विनाश, विनाश की तरह इनकी झोपड़ियों को भी इस मानचित्र में आपको दिख, लोगों से कह रहा है कवि कि ये जो सुंदर सा मानचित्र दिखा रखा है जिसमें तरह तरह की चीज़ें हैं, सुंदर सुंदर घाटियां हैं, सूर्य है, ये चीज़ें दिखा रखी हैं, ये दुनिया इनकी दुनिया नहीं है, इनकी दुनिया तो गंदी बस्ती, झुपड़ी झोगी झोपड़ियों की दुनिया है, इसलिए इनके मानचित्र में इन झुग्गी झोपड़ियों की गंदी बस्ती को ब्लोट करो, चिन्हित करो, उसको भी दर्शाओ, किस प्रकार से एक विनाश के रूप में दर्शाओ। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ओके ओके बच्चों, बाय।